आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नालंदा में 38 बटालियन का केक काटकर मनाया गया स्थापना दिवस। पटना में बजट को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। नवादा में विवाहिता के इलाज के दौरान मौत, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे ससुराल। रोहतास में सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई परीक्षा, 11 फरवरी तक चलेगी परीक्षा। सहरसा में श्रद्धा पूर्वक मनाई गई जयंती प्रतिमा पर किया गया मल्यार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर चल रहे हैं। वो कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर पहुंचकर सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाधान यात्रा सहरसा पहुंचेगी। इसी बीच प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के जरिए गांव में विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। और दिन का ही कार्यक्रम है, लगभग 11 बजे आएंगे, फिर शाम में जाएंगे, इसी में यहाँ का निरीक्षण करेंगे, फिर बैठक करेंगे विकास भवन में और समीक्षा भी होगी पदाधिकारियों के साथ, जिसमें जनप्रतिनिधि वगैरह रहेंगे, फिर वापस पटना हो जाएंगे। सहरसा में समाजवादी स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण मंडल की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कई महागठबंधन के नेताओं द्वारा महान समाजवादी स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण मंडल की प्रतिमा पर मल्यार्पण किया गया। आपको बता दें कि मल्यार्पण कार्यक्रम में फीता काटकर उद्घाटन किया गया। योग कार्यक्रम का शुभारंभ मंच संचालक मुखिया संघ अध्यक्ष के द्वारा किया गया। वहीं जिलाधिकारी और SP ने कार्यक्रम स्थल पहुँच जायजा लिया। भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर KK मंडल साहब, कुल सचिव BN पटल के सचिंदर महतो जी, प्रोफेसर सज्जानंद यादव जी यहाँ उपस्थित, हम लोग के जिला परिषद के सदस्य संतोष जी। रोहतास में इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसमें 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि ये परीक्षा प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 52,478 परीक्षार्थी शामिल हैं। ये परीक्षा 11 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में सख्त नियमों का पालन किया जा रहा है। परीक्षा की शुरुआत हुई है और यहाँ पे डिहरी अनुमंडल में 15 सेंटर्स बनाए गए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए। और आज क्योंकि पहला दिन था और ये 11 फरवरी तक चलेगी, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर दिन हम इसकी खुद से मॉनिटरिंग करें, ताकि किसी प्रकार का कदाचार वहाँ पे ना हो और सुरक्षा में कोई भी ब्रीच ना हो, और जो वहाँ पे
पुलिस पदाधिकारी हैं, केंद्र अधीक्षक हैं, इन्विजिलेटर सब अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दायित्व पटना में तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को ठगा गया है, शून्य बटा सन्नाटा इस बजट में कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि भाजपा के लोग सौतेला व्यवहार करने के साथ कुछ नहीं दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी बीजेपी पर जमकर बरसे। तो पूछते ना कि ये बिहार को मिला है, अब तो आपसे जानना चाहिए क्या मिला। हम लोग तो जानते ही थे भाजपा के लोग बिहार को कुछ देंगे, सौतेला व्यवहार कर रहे। पहले तो पता चलता था। अरे जितने इनके भाजपा के सांसद और मंत्री हैं केंद्र में, देखो जो शर्म नहीं आती है, क्या कर रहे हैं लोग, किसने सांसद बनाया, किसने मंत्री बनाया। खबर नवादा से है, जहां विवाहिता के इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने ससुराल वालों पर पीट कर हत्या लगाया है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान कर ली गई है। आपको ये भी बता दें कि मायके वालों ने बताया कि शादी के 3 साल बाद बीत गए और शादी के बाद से लगातार दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ दिन पूर्व उसके पति ने उसे घर में बंद कर बुरी तरह से उसको पीटा था, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी भी हो गई, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान मौत हो गई है। इलाज नहीं करवाया, हम जाके पटना में हम फिर इलाज करवाए। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ, इलाज के दौरान रास्ते में ही वो डेथ कर गया। कहाँ शादी करे? शादी नवीन नगर नवादा में हुआ। क्या नाम हुआ था लड़का का? सूरज कुमार। पिता का? परमेश्वर राजवंशी। इनका घर कहाँ हुआ था? मैके कहा? इनका घर ईसेपुर हुआ, रो थाना पड़ता। रो थाना। आप कौन हुआ? हम इनका भाई हुआ। क्या नाम है? सूरज कुमार। नवादा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि रफ्तार की वजह से ट्रक और ई रिक्शा में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, कई लोग घायल भी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। गाँव से बराती आने के बाद रोड के साइड में से गाड़ी लगा हुआ था, इस बीच में एक ट्रक आया, एक टेम्पू भी लगा था, उसको मैंने जगह नहीं मिलने के कारण उसमें टक्कर मार दिया। टक्कर मैंने जोरदार टक्कर, काफ़ी टक्कर मारा। इस बीच में घटना के कारण मैंने इसमें 2 से 3 को 4 को की मृत्यु भी हो चुकी है, जो कि टोटल को अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस विभाग पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दिया गया है। अभी यहाँ पर मैंने उपस्थित है, यहाँ पर से सभी को उठा के भेज। नालंदा में विदेशी शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि यहां 9 बोतल रॉयल स्टैग, कई लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखते चालक रफू चक्कर हुए। पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। गाड़ी इंडिगो गाड़ी है। जी जी। कितना टाइम समय में पकड़ाया है? 10-45 करीब होगा। गुप्त सूचना के आधार पे आप कहाँ पे पकड़ाया था सर? वो PNB बैंक के आगे जो पुल बन रहा है ना। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर? नालंदा में 38 बटालियन NCC का 60वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केक काटा गया। आपको बता दें कि 38 बिहार बटालियन का स्थापना दिवस 1 फरवरी से मनाना शुरू हुआ था, और इसके बाद बच्चों को सही मुकाम पर ले जाने, उन्हें सफलता दिलाने, अनुशासन का पाठ पढ़ाने और सभ्य नागरिक बनाने को लेकर चर्चा भी की गई। आज के दिन हम 38 बिहार बटालियन NCC बिहार शरीफ का स्थापना दिवस मना रहे हैं, जो कि 60वीं वर्षगांठ है। आज के दिन हमारे 60 ईयर्स सफलतापूर्वक बहुत सारी उपलब्धियों के साथ ख़त्म हुए हैं, और एक नया शुरुआत, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर की आज से शुरुआत है।
और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इनका भविष्य और भी उज्ज्वल होगा और एज ए बटालियन जो समस्त इनके रैंक्स हैं, हमारे सिविल स्टाफ हैं, एनओ सीटीओ कैंडिडेट्स, उनको दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति मिलेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद स्वागत है आप सबका, बढ़ते हैं खबर की ओर। नालंदा में इंटरमीडिएट की परीक्षा के पहले दिन हंगामा हो गया। आपको बता दें कि परीक्षा के पहले दिन ही छात्र छात्राओं को कुछ मिनट की देरी से पहुंचने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने से रोका गया। इसी से गुस्साए परीक्षार्थियों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि पुलिस ने परीक्षार्थियों के आक्रोश को देखते हुए लाठीचार्ज कर दिया जिससे भगदड़ मच गई। अगर बंद हो गया 9:30 9:45 एग्जाम है तो डीएम साहब को ये भी तो करना चाहिए ना कि वहाँ पे अगर पूरा ट्रैफिक साफ करवाए। इतवारी बाजार से लेकर के सोसरा चौराहा पे पहुँचने में आधा घंटा का समय लगा, और जिसमें भी दो को तीन को प्रशासन साफ करवा रहे थे उनको पहले साफ पूरा रोड साफ करवा के रखना चाहिए था ना। तो यहाँ पे पहुँचेगा 9:25। नालंदा में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दुकान में आग लगने से 2 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दुकान बंद कर वो अपने घर जा रहा था, तभी उन्हें आस पड़ोस के लोगों के द्वारा सूचना मिली कि उनके दुकान में आग लग गई है। आनंद फानंद में अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। जैसे हम चालू से निकले खबर आया कि यहाँ पे दुकान में आग लग गया, वैसे भागते हम आए। क्या चीज़ था? पूरा जल गया, पूरा जल गया। बोले देखिए अंदर बाहर सब ये लोग सब आगे वाले वाले सब ये सब कपूर किए वो तो देख ही रहे। क्या चीज़ का दुकान था? अंडे का दुकान है। नालंदा में इंटर की परीक्षा शुरू हो चुकी है और इसी बीच एक छात्र के बेहोश होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि परीक्षा देने पहुंचे एक छात्र अपने बीच करीब 500 छात्राओं के बीच अकेला पाकर परेशान होने लगा और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसको देखते हुए जिसके बाद बेहोश हो गया। आनंद फानंद में छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 500 लड़के के बीच एक लड़की, लड़का है 500 लड़की की जगह पर एक लड़का दे दिया, तो घबराहट हो गया है। अब पूरा हॉल में दे दिया, आगे सब सेंटर था, घबराहट हो गया। 500 लड़की के बीच एक लड़का है ना, इसी के कारण जो है घबराहट हो गया। कौन सा स्कूल में? क्या नाम हुआ आपका? सेंटर कहाँ गया था बोलो, कहाँ सेंटर? ब्रिजन कॉलोनी तो बोलो, को बोलो। वो लड़की के बीच में आपको एक ही लड़का को सेंटर मिला वहाँ? हाँ हाँ एक ही था, इसीलिए घबरा गया। हाँ
रोहतास में चार लड़कियों की लापता हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दी और कुछ ही दिन में लापता बच्चियों को खोजने में सफल हुए, जिसके बाद एसपी ने चारों लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया। तकरीबन रात्रि करीब 11:30 बजे की बात है, औरंगाबाद जिले की बारूण थाने की पुलिस के द्वारा सूचित किया गया कि चारों बच्चियां जो हैं बस स्टैंड पर वहां पर रात्रि गश्ती क्रम में गश्ती प्रभारी को मिली हैं, वो थाने पर लाई गई हैं। इसके उपरांत जो है थाना अध्यक्ष के द्वारा महिला सिपाही के अभिरक्षा में उनको वहां से वापस लाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में बच्चियों ने यही बताया है कि वो घर से निकल गए थे और बस पकड़कर वो नासरीगंज से डेहरी और फिर डेहरी से वो फिर बारूण औरंगाबाद चले गए थे। इसके उपरांत जो है विशेष महिला पुलिस पदाधिकारी जो है बच्चियों से विस्तृत जानकारी ले रही है, तो इस प्रकार हम लोगों ने रात्रिकालीन एक विशेष अभियान में इनको खोजने में हम लोगों ने सफलता पाई है। खबर बेतिया से है, जहां दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में दो की मौत हो गई, एक महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। आनन फानन में पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।